स्वयं लोकानो यथा समेत शामशातं हृदयरचिता वायुरब्दे स्वस्ति न इन्द्रो मृदुस्वराः स्वस्ति न पोखा विश्ववेदाः स्वस्तिरिष्टनेमे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातो वृषदशा वृषमातराजो यावानो विदथेशं नग्नजेन वा मानवः सुरचासो विष्णुन देवा अवशगद्रेवे भद्रकणेवे श्रियं देवा मानो दंते माता सा पिता सा पुत्र विश्व देवा शर्गुं सांतरे देयतो यता समिहसे ततो नो अभियं कुरो प्रजपो अपुना पशुभ्या सुशांत भरवेन्दो मे हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम स्वस्ति नेन्द्रो वृद्धसराः स्वस्ति न पोखा विश्ववेदाः स्वस्तिरिष्टनेमे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातो हरि ओम सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्रि अम्बिके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते नमो हरि ओम ओम हरि ओम शेवंते केव गोलजंबा कुटला विजय पुन्ना विजादि करवे दसाल पुष्पे बिलवा प्रबल तुलसे दल मज्जरे वे तुम्बो जियाम जगदीशरम मे प्रसीदम प्रसीदम नाना सुगंधेने कलो भदुवम पुष्पम समर्प्यामि माल्या देने सुगंधेने कलो भदुवम पुष्पम समर्प्यामि पुष्पम पुष्पम समर्प्यामि हरि ओम ओम हरि ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सर्वे लंबोदराय सकलाय जगादिताय नागाय नानय हृदयाग्र विघोषिताय गौरीशुदाय गणनाथ नमस्तुते गौरीशुदाय गणनाथ नमस्तुते हरि ओम ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा एक दंत गयो मन चार भुजा धारी मस्तक सिंदूर पिता महादेवा हार चढ़े फूल चढ़ हार चढ़े मेवा लड्डुअन के भोग लग संत कर सेवा जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा दीनन की लाज रखो संभ सुत भारी कामना को सिद्ध करो जयो बलि जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा सूर्या शरण आए सबल की सेवा जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा ओम जय अम्बे ओम हरि ओम प्रणव स्वाहा ओम हरि ओम प्रणव स्वाहा
व्यानाश्वाः श्मनाश्वाः उदानाश्वाः त्रणाश्वाः मुखेनाश्वाः ब्राह्मणे नमश्वाः नमस्कृ नमस्कृ नमश्वाः हरि ओम नाभ्याय सतन्त्रं देहि भूषवदेदः लोकार्पणमस्तु मा चन्द्रमा मानसो जातो मुखे आत्मनि स्व नैवेद्यं नैवेद्यं समर्पयामि हरि ओम श्री सद्गुरु श्रीनाथस्य नैवेद्यं श्रीकृष्णदेवता सम्मूलं फलं द्रव्यदक्षिणं समर्पयामि हरि ओम नाभ्याय सतन्त्रं देहि भूषवदेदः लोकार्पणमस्तु मा चन्द्रमा मानसो जातो मुखे आत्मनि क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरे यद्भूतं मया देवे परपूर्णमे तदाश्रमे कुपुत्रो अस्तु माता न कुलम्बे मातृदम्बा की जय कुलम्बे मातृदम्बा की जय भगवान की जय रंगवाली की जय रामचंद की जय भगवान की जय चतुर्वार की जय गुरु साईनाथ महाराज की जय पार्वते हर हर प्रणाम कर लीजिए भगवान जी महाकाल विधानम सर्व्या विनाशनम विष्णु पदो दायक हरि ओम ओम हरि ओम आकाल विधानम सर्व्या विनाशनम विष्णु पदो दायक हरि ओम सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये रोमियो राजा जो फिल्म है, ये फिल्म की कहानी जब सुनाया मुझे हमारे मनोज नारायण जी ने, तो मैं इस फिल्म से इतना रिलेट कर पाया, इतना अपने आप को जोड़ पाया, क्योंकि मैं इस फिल्म का जो थीम है उससे बहुत जाना पहचाना व्यक्ति हूँ। मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ज़िले का रहने वाला हूँ, गाज़ीपुर का, जहाँ ये होता है, रियल में ऐसा होता है। शिक्षा माफिया जो होते हैं, शिक्षा माफिया जो प्राइवेट स्कूल अपना बना करके और जो सरकारी स्कूल है उनकी कितनी दुर्गति करते हैं और किस तरह से कह सकते हैं कि शिक्षा का जो है व्यापार चलाते हैं, वो एक बड़ा दुखद है हमारे समाज के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। तो उस पर जब सब्जेक्ट इन्होंने सुनाया मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने जिसको जिसको ये बात कही कि मैं ये फिल्म करने जा रहा हूँ, तो सभी लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इस विषय पे फिल्म बननी चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि इस फिल्म की हीरो और हीरोइन दोनों आम्रपाली जी हैं और वो शिक्षा माफिया में है जिसको सुधारती ये है, तो इस तरह की फिल्म है। पर मेरा कैरेक्टर जो है रोमियो राजा, वो नाम से ही पता चलता है कि रोमियो राजा, राजा है, रोमियो है, और बहुत मजेदार फिल्म है। प्यार में कैसे सुधरता है? प्यार में सुधरता है और सब सुधर जाते हैं प्यार में, अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं तो ये भी सुधर जाता है जो अपने पिताजी के साथ में मिल करके और शिक्षा का व्यापार चला रहा होता है, वो कैसे प्यार में पढ़ के और फिर सारी चीज़ें अच्छी होती है, ये मूल कहानी है। पर इसका जो ताना बाना बुना गया वो इतना बढ़िया, हमारे मनोज नारायण जी जिनके साथ अभी मेरी फिल्म आई थी शेर हिंदुस्तान, इन्होंने रचा है, कि हमारी ऑडियंस को फिर से, मैं तो ये कहूँगा कि फिर से निरहुआ हिंदुस्तानी जैसी फिल्म देखने को मिलने जा रही है उनको। जितना उनको खुशी मिली थी निरहुआ हिंदुस्तानी देख के और निरहुआ हिंदुस्तानी करके जितना मुझे अच्छा लगा था, अब जब मैं रोमियो राजा का पार्ट बना हूँ और रोज जब हम उस पर काम कर रहे हैं उसके कहानी पे, उसके गाने पे, तो मुझे वही फीलिंग आ रही है जो निरहुआ हिंदुस्तानी बनाते समय आई थी। सर, तो कहीं ना कहीं क्या कुछ दिन आपका निगेटिव रोल भी होगा? अपने आप में ये निगेटिव है, देखिए निगेटिव ये बात ही निगेटिव है कि शिक्षा का व्यापार करना, मैं एक बड़े बाप का बेटा हूँ जो प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ और डिग्रियाँ बेचता हूँ। कोई आता है अगर पढ़ने के लिए हमारे सरकारी स्कूल में, तो मैं उनको कहता हूँ कहाँ वहाँ समय बर्बाद कर रहे हो, आओ कौन सी डिग्री चाहिए मैं बना के देता हूँ। इस तरह का आदमी है, तो नेगेटिव ही हुआ। पर ऐसा आदमी कैसे सुधरता है जब उस गांव में एक पढ़ी लिखी समझदार और जागरूक लड़की आती है जिसको ये समझ है कि सब कुछ का व्यापार होना चाहिए, शिक्षा का व्यापार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षा का व्यापार हुआ तो ये हमारे देश के लिए इससे दुखद कुछ और नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि
उसमें बहुत अहम भूमिका फिर निभाती हैं आम्रपाली जी। आम्रपाली जी बताइए अपने किरदार के बारे में। लगता है कि शिक्षा का व्यापार अगर हम रियल जिंदगी की बात करें, ये तो आपने फिल्म की बात की, रियल में भी शिक्षा का व्यापार अभी होता है? हमारी गवर्नमेंट बहुत कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि उसको रोकने की बहुत कोशिश होती है, पर अभी भी आजकल तो मैं चूंकि राजनीति में भी आ गया हूँ, तो मैं जब जाता हूँ गांव में, आजमगढ़ में जाता हूँ और वहाँ पे काम करता हूँ, तो ऐसी बातें आती हैं मेरे सामने कि बहुत सारे ऐसे स्कूल चल रहे हैं जिनको मान्यता नहीं है, फिर भी वो चला रहे हैं, कागज पे चला रहे हैं, और ना उसकी कोई बिल्डिंग बनी हुई है और ना ही जो उनको मानक दिया गया है कि कम से कम आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए ये चीजें होनी चाहिए, उसके बिना वो लोग स्कूल चला रहे हैं। तो ये आज भी रियल में हो रहा है, तभी तो फिल्में बनती है। फिल्में तभी बनती है जब समाज में कुछ इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं उसको रोकने का भी हमारा प्रयास होगा कि जो लोग देखेंगे उनको भी कम से कम लगेगा कि भाई ये गलत है और इस तरह नहीं करना चाहिए। बहुत सारी फिल्में की हैं मैंने अपने करियर में और वो सारे किरदार मेरे बहुत करीबी हैं, मुझे बहुत पसंद है। फिल्म तो कंप्लीट हो जाती है लेकिन वो कैरेक्टर हमेशा आपके साथ जिंदा रहता है, जो भी कैरेक्टर आपने प्ले किया हो। बट इस फिल्म में जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ मेघा, आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा रिलेट अपने पूरे करियर में अगर किसी कैरेक्टर से कर पा रही हूँ तो मेघा से कर पा रही हूँ। बिकॉज आए दिन जब हम न्यूज़ देखते हैं और देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को अपनी पढ़ने की और सीखने की उम्र में सब छोड़ के चाइल्ड लेबर की तरफ जाना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो स्कूल में पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये फिल्म करके मुझे लगता है कि मैं उसके खिलाफ अपने लेवल पर कुछ कर सकती हूँ और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है इस फिल्म का हिस्सा होकर। तो मेघा का किरदार निभाने के लिए आपको कुछ खास तैयारी करनी पड़ी, क्योंकि जब आप नए किरदार के लिए फिल्म के लिए जब आप तैयार होते हैं तो आपको नयापन देना होता है, एक नई तैयारी करनी होती है, तो इस फिल्म के लिए कुछ आपको डायरेक्टर की तरफ से कुछ गाइड किया गया है? मेरे डायरेक्टर सर लकीली बहुत अच्छे हैं और वो हमेशा फ्रीडम देते हैं कि आप ये कैरेक्टर है आपका और आप अपने हिसाब से इसको करिए, और अपनी लेवल पर मैं ये कर रही हूँ कि मैं वीडियोस देखती रहती हूँ कि एनजीओ की जो टीचर्स होती हैं जो कोई फीस नहीं लेती, जिनको जो सिर्फ पब्लिक सर्विस के लिए बच्चों को पढ़ाती हैं, मैं उनके वीडियोस देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि वो कितना मन लगा के बच्चों को पढ़ा रही है, वो उनको क्लीनलीनेस के बारे में जानकारी दे रही हैं, पौष्टिक भोजन के बारे में उनको उनके परिवारों को जानकारी दे रही हैं। मैंने यूनिसेफ इंडिया और ग्लोबल यूनिसेफ को फॉलो करना शुरू किया है यही सब जानने के लिए कि वो पढ़ाई के लिए किस स्तर तक काम करते हैं, तो वो सब देखकर मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ। आई एम श्योर ये फिल्म ख़त्म करते करते मैं कोई एक एक्टिविस्ट भी बनी जाऊँगी पढ़ाई को लेकर सोशली। तो मनोज जी आप क्या कहना चाहेंगे, इस फिल्म के मुहूर्त किया गया है, कब तक फिल्म की शूटिंग की तैयारी है, कब तक शूटिंग का? देखिए 12 अक्टूबर को हम लोग शूट पे जा रहे हैं, 12 से हम लोग शूट स्टार्ट करें, 11 को हमारी पूरी यूनिट आजमगढ़ में होगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात मेरे लिए थी कि आजमगढ़ में गया था, सर ने मुझे बुलाया था वहाँ पे, तो एक तो इनका क्षेत्र भी है और इतना अच्छा लगा वहाँ पे हम लोगों को लोकेशन और कॉपरेशन लोगों का देख करके कि वहाँ पे हर आदमी इंटरेस्टेड है कि दिनेश जी हमेशा के लिए यहाँ बस जाएँ, और दिनेश जी का भी सपना है कि वहाँ पे किस तरह से फिल्म ग्रुप आए जो कि स्टूडियो की तरह यहाँ हम लोग मैंने प्रोडक्ट करते रहे, और वहाँ के लोकल लोगों का भी कॉपरेशन इतना अच्छा लगा जैसे लगता था कि कोई भाई बिछड़ा हुआ दूसरा भाई मिल गया। तो मुझे जिस तरह का लोकेशन वगैरह चाहिए वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने मैनेज करवा दिया, और बहुत सारे लोगों का कॉपरेशन मिला, यहाँ तक क्योंकि मुझे एक स्कूल चाहिए था जिस स्कूल में बोर्डिंग स्कूल वाले भी हमें कॉपरेट करें और गवर्नमेंट स्कूल वाले भी हमें कॉपरेट करें, तो उस तरह का लोकेशन भी हमें मिला, वहाँ बच्चे भी सब रेडी हैं हमारे साथ काम करने के लिए। तो एक तो सबसे पहली बात ये चीज़ थी वहाँ पर काम करने का, मेरा वहाँ पर जाकर शूट करने का। दूसरी चीज़ ये जो सब्जेक्ट है वो हमारे दिनेश जी को बहुत अट्रैक्ट किया, मैं भी डरते डरते सुनाया कि अभी तो ग्लैमर का लाइन है, बहुत सारी मतलब कमर्शियल फिल्में बन रही हैं, तो मैंने इनसे कहा सर एक सब्जेक्ट है आप देखिए इसको, तो क्योंकि ये हमेशा समाज के लिए एक अच्छा मैसेजर है, तो उनको लगा कि नहीं ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है और इस पर हम लोग काम करेंगे कि इसको कमर्शियल बनाएंगे इस फिल्म को। तो एक सब्जेक्ट ऐसा है कि गरीब के जो बच्चे होते हैं वो बोर्डिंग स्कूल तक नहीं पहुँच पाते क्योंकि उसके पास खाने के लिए खुद का पैसा नहीं होता है, बाप को मजदूरी करके पैसे नहीं आते हैं, तो बच्चों को वो भेज सके बोर्डिंग स्कूल में, और अभी बोर्डिंग स्कूल इस तरह से हावी है कि जो बच्चे हैं जो गरीब के बच्चे हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, जो एक बाप का भी सपना होता है कि मेरी बेटी है कभी ये
आईजीएस बनेगी, आईपीएस बनेगी, मेरे बाप बुढ़ापे का सहारा बनेगी, लेकिन उसका सपना तब चकनाचूर हो जाता है जब उसके पास कोई सक्षम नहीं होता, कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होता है। आज जो पैसे वाले के बच्चे हैं वो सभी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, तो इसमें अम्रपाली जी ने एक इनके लिए एक चैलेंज है कि उस समाज से उस गंदगी को हटाना, कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं, जबकि हमारी गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटीज दे रही है, इतनी फैसिलिटी, इतनी सुविधाएं दे रही है, लेकिन हम उसको बेनिफिट हमारे उस स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पा रहा है जब उनको मिलना चाहिए, जबकि बोर्डिंग स्कूल से बेटर टीचर है हमारे उसके कुछ में और सुविधा भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो सुविधा वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, जिसके माध्यम अम्रपाली जी हैं, उनके माध्यम से मैं उस मैसेज को हर गार्जियन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आपको हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारी सरकार आपको इतनी फैसिलिटी दे रही है कि आप बोर्डिंग स्कूल को भूल जाइए, आपके बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़कर भी आईएएस आईपीएस और बहुत बड़े नेता मंत्री बन सकते हैं। और उसमें दिनेश जी का जो पार्ट है, ये एक्चुअली पार्ट इनका इस तरह का है कि ये फिल्म को एक सूत्रधार जो होता है फिल्म को लेकर जाने का, तो इन्होंने शुरुआत किया, इन्होंने कहा कि भाई मैं तो नेगेटिव कैरेक्टर करूंगा और फिर मैं भी एक समाज के लिए मैसेंजर बनूंगा लास्ट में जाकर, तो इन्होंने उस सब्जेक्ट को एक्सेप्ट किया और वो बड़ा चैलेंजिंग कैरेक्टर सर के लिए भी है और मेरे लिए भी, हम सबके लिए है कि उस कैरेक्टर में अपने आप को उन्होंने खुद ही अपना बताया कि मेरा इस तरह गेटअप रखिए, ऐसे रखिए, यूपी बिहार में इस तरह से ये दीमक की तरह छाया हुआ है, ये जो चीज़ें हैं जो गरीब बच्चों का शोषण, गरीब गार्जियन का शोषण और पैसा लगा करके, अब आपको पता होगा कि बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है, उसका सूट यूनिफॉर्म का पैसा अलग से, हर साल एडमिशन करना, हर दिन उसका अलग अलग फी लेना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे वहाँ पर शोषित हो रहे हैं, तो ये उस चीज़ को करते हैं, लेकिन बाद में जाकर जो इनके अंदर चेंज आती है, सोचते हैं कि आखिर वही बच्चे जो हमारे समाज में पलप रहे हैं, जिनके पास सक्षम नहीं, वो जाकर के चाय बेच रहा है, कोई बकरी चरा रहा है, कोई जाकर के होटल में काम कर रहा है, कोई सब्जी लड़की बेच रही है, जबकि बहुत ब्रिलियंट, बहुत टैलेंटेड लड़कियाँ हैं, टैलेंटेड बच्चे जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है, उस तरह की चीज़ है कि उन्हें मौका मिले तो वो बहुत बड़े बड़े बोर्डिंग स्कूल के स्टूडेंट को फेल कर सकते हैं, लेकिन उनके पास सुविधा नहीं होता, मौका नहीं होता है, तो वो लोग दब जाते हैं। उसका मैसेंजर ये बने कि नहीं, मैं उस तरह के बच्चों का हेल्प करूँगा और ये पूरे आजमगढ़ में, बनारस में सारे स्कूल को अपना हर चीज़ डोनेट करके फिर उसके बाद में बहुत मेहनत करके सारे बच्चों को उस लेवल तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। कहीं ना ये हमारा सब्जेक्ट, कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया जो है उनमें चेंज आएगा लगता है आपको इस फिल्म को देखने के बाद? देखिए, चेंज आएगा नहीं आएगा वो बात की है, हमारा काम है कि दुखती रग पे हाथ रखना कि भाई ये गलत है, और वो गलत किरदार मैं खुद ही निभा के समाज में बताने जा रहा हूँ कि ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। अब उसको देखने के बाद अगर किसी का हृदय परिवर्तन होता है तो ये बहुत अच्छी बात। और जब अशोक का हो गया तो सबका हो जाएगा, राजा अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, तो हमारी मानसिकता यही है और हम यही चाहते हैं कि इस फिल्म को देख के लोगों का मेंटालिटी चेंज हो और इस चीज़ से कमाने के बारे में ना सोचे, प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में डिफरेंस ना करें, सब बच्चों को इक्वल राइट्स टू एजुकेशन मिले, बस यही हमारी पूरी कोशिश रहेगी एंड वी होप कि इस फिल्म के बाद लोगों की मानसिकता बदलेगी जरूर। सर, रोमियो राजा के लिए जब डिसाइड करना हुआ कि हमें स्टार कास्ट कौन होगी, हमारे फिल्म के एक्टर कौन होंगे, तो उसके लेकर आपकी किस तरह से चर्चा हुई जिसके बाद आपने दिनेश अम्रपाली जी को इस फिल्म के लिए चुना? देखिए, रोमियो राजा टाइटल तो बाद में आया, लेकिन जो स्क्रिप्ट थी, जो सब्जेक्ट था, वो इतना टचिंग था कि जब मनोज जी ने पहली बार सब्जेक्ट सुना है तो ऐसा लगा कि ये फिल्म अभी तक क्यों नहीं बनी, ये मैसेज अभी तक समाज में क्यों नहीं गया, ये तो बहुत पहले आना चाहिए, क्योंकि जो दिनेश जी ने बताया, अम्रपाली जी ने बताया, मनोज जी ने बताया, ये प्रॉब्लम आज की भी इतनी जड़ें जमा चुकी हैं हमारे समाज में ये प्रॉब्लम, बट फिर भी जब आया सामने तो इमीडिएटली हमने अप्रूव किया, हमने बोला कि सब्जेक्ट एक्चुअली बनना ही चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए फिल्में बहुत कमी है, लेकिन एक मैसेज कन्वे करने के लिए पिक्चर का बनना बहुत जरूरी है। दिनेश जी से जब मिले इतना अच्छा लगा, इतने कोऑपरेटिव, इतने ज़्यादा वो इन्वॉल्व हुए हैं फिल्म में, इतनी मेहनत कर रहे हैं, अम्रपाली जी इतनी मेहनत कर रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो अभी से शूटिंग शुरू होने में टाइम है, लेकिन वो अभी से वो करेक्टर्स जीना शुरू कर दिए, इतने रात रात तक मेहनत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट एक ही एम है कि प्रॉपर ये मैसेज समाज में कैसे जाए, ये जो हो रहा है एजुकेशन को लेकर, और हमारे जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, पुअर कम्युनिटी है, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए लोगों में एक जागरूकता आनी चाहिए कि कैसे वो एजुकेशन लेवल उनका ऊंचा उठाया जाए, और ये बिना
क्या समाज के सोच के परिवर्तन के मुश्किल है, इसलिए दिनेश जी ने भी बोला कि मैं नेगेटिव बन के वो मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व है, जब तक वो टच नहीं होंगे, वो नहीं चाहेंगे कि ये हम जो कर रहे हैं वो गलत है, तब तक परिवर्तन आना पॉसिबल नहीं है। काम करके अपने आप को ग्रो